हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरफास किचन एंड हर वर्ल्ड। दोस्तों, आज हमारे कीटो चैलेंज डाइट का फिफ्थ डे है और मैं कहूँगी हमें बहुत मज़ा आ रहा है और आप लोग सब ये हम लोग के प्रोग्राम्स देख रहे हैं, सारे चैलेंजेस डे बाय डे आप लोग देख रहे हैं, जिससे कि हमारे चैनल को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारी डाइट्स फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज फिफ्थ डे का मॉर्निंग का तो हमारा ब्रेकफास्ट में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं और टाइम भी कम होता है सुबह के वक्त, तो हमने बॉइल्ड एग और विद ब्लैक कॉफ़ी विद बटर क्यूब्स हमने सुबह लिया था ब्रेकफास्ट, और इस वक्त मैं लंच बनाने जा रही हूँ। और लंच में मैंने सोचा है कि आज मैं बनाऊँगी क्रीमी गार्लिक चिकन। Hi friends, so our day 5 is going on of keto challenge, and you can see Arfa has made some wonderful recipe. Kya naam hai bhai is recipe ka? Creamy garlic chicken. Okay, so creamy garlic chicken we are going to enjoy. We are going to have salad, and these are fried eggs for Shiza because she is loving eggs. Okay, so Arfa, kaisa ja raha bhai? You put it on Arfa's Kitchen and Reward, so let's see what Arfa has to say. Yes, I'm enjoying. As usual, this is the fifth day और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है enjoying. और आज मैंने ये रेसिपी डाली है, ये थोड़ी मतलब आप कहेंगे फिरंगी डिश है, और मैंने आज कोशिश की है कि अपने कीटो डाइट में अपने थोड़ी सी इस तरह की डिशेज अब ऐड करूँ, क्योंकि डिफरेंट टेस्ट होना चाहिए। तो आज मैंने ये क्रीमी गार्लिक चिकन बनाया है और उम्मीद है कि पसंद आएगा। और ये एज यूजल ये सैलेड है हम लोगों के साथ, तो हम लोग खाते हैं। और हम लोग बहुत, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग सब लोग इस हमारे चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं, जिससे मेरे थोड़े सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, आज मुझे मॉर्निंग में थोड़ा हेडेक हो रहा था, तो आई डोंट नो इट वाज बिकॉज ऑफ सम कीटो फ्लू और कुछ, मैंने हैड टू टेक सम फ्लेक्सॉन। माँ, आज आपको कुछ हुआ, कोई सिम्टम आया कुछ? नहीं, मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है। आई एम डूइंग गुड। हाउ इज योर डे 5 गोइंग? डे 5 इज गोइंग रियली ग्रेट, एंड जस्ट लाइक अदर डेज हैविंग फन एंजॉयिंग एंड जस्ट कांट वेट टू ईट ऑल द गुड फूड एंड या दैट्स इट। शिजा, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एग्स यू आर हैविंग? Okay, so Abba makes me really nice eggs, and the speciality of these eggs are number one that they are made by Abba. Yes. Number two, these are pasteurized eggs, so they are rich in omega 3 fatty acids and they are quite healthy. So I recommend everybody to replace your normal daily mundane eggs with pasteurized eggs because they are quite healthy and free from pesticides and everything that are given to hens while they are growing up. So yes, it is better to have pasteurized eggs. So these are the two main qualities that my eggs usually have, so I love them. Okay, so let's join for the lunch. Okay, and see you at dinner then. Bye bye. Bye bye. Hello, yes friends, आज हमारे फिफ्थ डे चैलेंज का डिनर टाइम है। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग हमारा डिनर के जो आइटम्स हैं आप देख रहे हैं, फ्राइड एग स्पॉन्सर्ड बाय मेकिंग बाय डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बे, इन्होंने बनाए अपने हाथों से, और क्योंकि बहुत अच्छे बनाते हैं तो अब बच्चे कहते हैं कि हम अब्बा के हाथ के अंडे खाने जाते हैं। आई लव इट कुकिंग फॉर माय किड्स। यस, हां, हमें इन्होंने फेल कर दिया इसमें। खैर, एनीवेज, और इसके साथ हमने ये सॉसेजेस फ्राई किए हैं, और साथ में ये हमने सैलड बनाई है जिसमें कैबेज और ये बेल पेपर है और बेबी कॉर्न्स हैं, और इसके ऊपर मैंने चिया सीड्स डाले हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि चिया सीड्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है बहुत रिच अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए आज हम चिया सीड्स भी लेकर आ गए हैं अपनी डाइट को और हेल्दी और रिच बनाने के लिए। इसके साथ ही हमने ये मेयो रखी है, मेयोनीज, जो कि कार्ब फ्री है, 0% कार्ब है इसमें, अमेरिकन गार्डन की है, तो आप लोग ढूंढिएगा, आपको स्टोर्स पर मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा डिनर 26 जनवरी, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, 27 शुरू हो गई है। तो ये सब था। आप डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आज के चैलेंज आपका फिफ्थ डे का कैसा गया?
Our Republic Day ka challenge was good. I think we had a good lunch. We are going to have good dinner. हम लोग के पास ब्रेकफास्ट पे की ऑप्शन ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं. आई थिंक ब्रेकफास्ट आज भी हम लोगों ने सिंपल वही बॉइल्ड एग्स एंड वो हो रहा था, तो आई थिंक उसके लिए मुझे लग रहा है कि हम लोग को ब्रेकफास्ट के कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए. हाँ. क्योंकि थोड़ा ब्रेकफास्ट बोरिंग हो रहा है, अदरवाइज लंच और डिनर तो माशाल्लाह हम लोग को बहुत अच्छे जा रहे हैं. तो माँ, व्हाट इज योर ओपिनियन? यस, आई Just liking it, जैसा जा रहा है अच्छा जा रहा है. एंड ये है कि हाँ, आज मैं जाके थोड़ी सी रिसर्च करूँगी ब्रेकफास्ट के लिए, तो कल कुछ नया आइटम इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं फॉर ब्रेकफास्ट, तो कुछ ब्रेकफास्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगा कल के लिए. ताकि आपका उसका क्या असर पड़ रहा है. तो आई थिंक दैट वॉज द राइट सजेशन फ्रॉम माई फ्रेंड. एंड आज हम लोगों ने अपने ब्लड टेस्ट कराए, तो मेरा भी लिपिड प्रोफाइल अच्छा आया है, एलएफटी नॉर्मल है, किडनी फंक्शंस नॉर्मल है, सीबीसी एवरीथिंग इज नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आरिफा का भी सब कुछ नॉर्मल है. ये क्योंकि इनकी टाइप 2 शुगर डायबिटिक है ये, और शी इज़ ऑलरेडी ऑन मेडिकेशन, और हम लोगों ने मेडिसिन की डोज थोड़ी कम की हुई थी, तो इनका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज वाज 121 व्हिच वाज स्लाइटली ऑन अ हायर साइड. तो हम लोग सोच रहे हैं कि इनकी रात की डोज भी आधी कर दें या किस तरह से थोड़ी बढ़ा दें. एनीवे, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द रिपोर्ट्स आर नॉर्मल. अब हम लोग इसको 15 डेज में फिर रिपीट कराएंगे ये देखने के लिए कि हमारे ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ तो नहीं रहे, क्योंकि हम लोग इतना फैट ले रहे हैं. एक जहन में ये भी बात आती है, ऐसा ना हो कि हम लोग इतना फैट खा रहे हैं बाद में पता चले एक महीने बाद कि हम लोग के ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ गए हैं और ये नुकसानदेह साबित हो रहा है. तो आई थिंक दैट वाज अ राइट सजेशन एंड वी डिड इट टुडे. और ओके, हम लोग ने आज बहुत अच्छा हमारा चैलेंज गया 5th डे का, और इंशाल्लाह कल 6th डे पे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे चैनल आरफास किचन एंड हर वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए. ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.